Hey guys, welcome back to my YouTube channel DTA Digital Skills. Myself Saba and I am back with a new and interesting video. जी हाँ दोस्तों, आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में जैसे कि थंबनेल लेकर के आप आए हैं, मैं आपको बता दूं कि आप काइंड मास्टर ऐप को यूज़ करके, लिटरली ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी मैं, काइंड मास्टर ऐप को यूज़ करके कैसे अपनी वीडियो एडिट कर सकते हो जैसे मैं यूज़ करती हूँ. गाइज, मैं अपने ब्लॉग वीडियोज़, अपने जितने भी वीडियोज़ डालती हूँ वो सब इसी से एडिट करती हूँ. अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार जाकर मेरी ब्लॉग वीडियो चेक करो, बहुत ही अमेजिंग एडिटिंग होती है. मतलब बेसिक लेवल के लिए, अगर बिगनर्स की मैं बात करूँ, और सिर्फ मैं काइंड मास्टर से एडिट करती हूँ. तो अगर आपको वो एडिटिंग सीखनी है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं काइंड मास्टर का एक एक फीचर, एक एक डिटेल, माना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बट आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी. और आप अगर सीखना चाहते हो सच में तो वीडियो को किश्तों में ही देखना, बट स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर कंप्लीट करना. तो गाइज, बिना कोई देरी करे वीडियो को अब हम स्टार्ट कर लेते हैं. सो गाइज, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में काइंड मास्टर इंस्टॉल कर लेना है, और मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है. तो डायरेक्ट मैंने काइंड मास्टर ओपन कर लिया है. काइंड मास्टर ओपन करते ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है डायरेक्टली क्रिएट न्यू पे. अगर आपको YouTube के लिए वीडियो एडिट करनी है तो आपको 16:9 जाना है. अगर आपको Instagram रील चाहिए तो 9:16 जाना है. Instagram आपको प्रोफाइल चाहिए तो 1:1 जाना है. वैसे ही बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं. तो जनरली मैं अभी YouTube एडिटिंग सिखाने वाली हूँ आपको, YouTube पे कैसे वीडियो एडिट कर सकते हैं. तो मैं 16:9 पे जाऊँगी और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगी. तो एक बार आप इंटरफेस चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद आपको आपकी गैलरी खुल के मिल जाती है. आपको जो वीडियो एडिट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ कैमरे पे, और उसके बाद मैं यहाँ से वीडियोज़ ले लूँगी. तो फॉर एग्जांपल मैं कोई सी भी वीडियोज़ ले ले रही हूँ. लास्ट टाइम मैंने जो व्लॉग एडिट किया था मैं उसकी वीडियोज़ ले ले रही हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने इतनी वीडियोज़ ले ली यहाँ से. अगर मुझे यहाँ से फ़ोटोज़ चाहिए होगा तो यहाँ पे फ़ोटोज़ भी आप ढूंढ सकते हो, अपने हिसाब से वीडियोज़ भी ढूंढ सकते हो. तो मैंने जस्ट यहाँ पे वीडियोज़ ली है, कट कर देना है, देन ये आपके पास वीडियोज़ निकल के आ गई है. अब यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलता है, मीडिया, लेयर, रिकॉर्ड और ऑडियो का. तो सबसे पहले हम जाएंगे मीडिया पे. मीडिया पे मैंने आपको बताया आपने ऑप्शंस ले लिए, आई मीन फोटोज एंड वीडियोस मीडिया से ही लेते हैं, तो मीडिया में सिर्फ इतना सा है. ओके, देन हम आते हैं लेयर पे. लेयर में आपको यहाँ पे पाँच ऑप्शंस मिलते हैं, अगेन मीडिया, इफेक्ट, स्टिकर, टेक्स्ट एंड हैंड राइटिंग. गाइज, एक बात आप ध्यान रखो, लेयर मतलब ये कि आपको कुछ भी इस वीडियो के ऊपर से चाहिए तो आप ले सकते हैं. लेयर इन द सेंस का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मेकअप जब हम करते हैं तो मेकअप में हम फेस के ऊपर कुछ भी लगाते हैं ऊपर, वैसे ही हमारा जो फेस है यहाँ पर वो वीडियो है. इसके ऊपर हम लिख भी सकते हैं, इसके ऊपर हम वीडियोज भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम फ्रेम स्टिकर लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम फोटोज लगा सकते हैं, सॉन्ग लगा सकते हैं. तो वैसे ही लेयर में जाके हम सबसे पहले मीडिया का ऑप्शन आता है, सेम खुल के आएगा मीडिया का ऑप्शन आपको सेम. तो अगर मैं इसके ऊपर कुछ चूज़ करूँगी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चूज़ करती हूँ ये वाली वीडियो, तो ये इसके ऊपर में आएगी. ठीक है, आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए छोटा बड़ा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से. तो ये यहाँ पे ऑप्शन आता है. अब जैसे इसको आप टच करे रहेंगे, मतलब जो भी एलिमेंट उसको अगर आप टच करके रखेंगे, तो यहाँ पे आपको और एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि ये है. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले है हमारा इन एनिमेशन, देन है हमारा ओवरऑल एनिमेशन, थर्ड है हमारा आउट एनिमेशन. फॉर एग्जांपल अगर ये वीडियो चलनी है तो कैसे आएगी, तो यहाँ पे हम इन एनिमेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, फेड, पॉप, वैसे ही आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे. आपको चूज़ करना है, तो आप जैसे वो स्टार्ट होगा वीडियो तो वो इस टाइप का कुछ दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में, और यहाँ से आप उसकी स्पीड देख सकते हैं कितने स्पीड में वो आएगा. वैसे ही ओवरऑल एनिमेशन मतलब ये कि वो कंटिन्यूसली होता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल फाउंटेन पे क्लिक करो तो ये कुछ इस टाइप का हो गया, रिंग पे कुछ इस टाइप का हो गया. तो जनरली मैं इस को यूज़ नहीं करती और कोई भी यूज़ नहीं करता है. नेक्स्ट है हमारा आउट एनिमेशन, मतलब जो वीडियो एंड होगी तो वो कैसा रहेगा, तो आउट पे ऐसे दिखेगा. तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हैं. देन है स्पीड, वीडियो की स्पीड आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, उस हिसाब से वीडियो चलेगी. नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रिवर्स, वीडियो रिवर्स कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका स्प्लिट द स्क्रीन, स्प्लिट द स्क्रीन में जब हम क्लिक करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर इस वीडियो को मुझे सिर्फ आधे स्क्रीन पर चलाना, तो मैं यहाँ पर ये चूज़ करती हूँ. आप देख रहे हैं ये वीडियो पर वो जूम हो गया वीडियो, और वो आधे स्क्रीन पर आ गया. तो आप इसे फुल और हाफ कर सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं वीडियो कौन सा पार्ट आपको अपने स्क्रीन पर चलते हुए दिखाना है, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं. बट मुझे ये अभी नहीं करना है क्योंकि आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. सो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, वापस स्प्लिट स्क्रीन को ऑफ कर देती हूँ. देन यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रॉपिंग, वीडियो को क्रॉप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, देन कलर फिल्टर चूज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वॉइस एडजस्ट कर सकते हो. नेक्स्ट है हमारा क्रोमा की, क्रोमा की मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये कुछ ग्रीन स्क्रीन से रिलेटेड है.
अल्फा आप उसकी ओबेसिटी कम कर सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो, देन वॉल्यूम एनवेलप आप वीडियो के वॉइस को कम और हाई कर सकते हो, ईक्यू रिवर्ब वॉइस चेंज एक्सट्रैक्ट ऑडियो, फॉर एग्जांपल आपको इस वीडियो के ऑडियो हटाने हैं, आपका जो बैकग्राउंड है वो वीडियो उसका म्यूजिक आपको रखना है तो आप ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और ये ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो गया है आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। तो अब हमारे जो ऑप्शन से लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, तो इतने ऑप्शन एक चीज को टच करने के बाद आते हैं, जैसे मैं स्क्रीन पर टच करूंगी तो ये हट जाएगा। सो गाइज यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे जो कि है इफेक्ट्स। इफेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको काइन मास्टर में ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं, ऊपर एक होम कर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है टिक के साइड में, यहाँ से आप इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट्स आपको इस पे मिलते हैं, बट मैंने कम डाउनलोड करे हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं, और आप उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो आप इसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जनरली कोई भी इफेक्ट यूज़ नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल ये भूत बंगला दिखाने के लिए एंड ऑल, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे, बाकी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो जस्ट मैं इसको बैक कर देती हूँ। वैसे ये यूज़ हो चुका है यहाँ पे, मैं साइड कर देती हूँ। वैसे ये जैसे आप देखते हैं ना, ये उसके ऊपर से आ जाएगा, तो इसको आप ड्रैग करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, और ऑल्सो आप इसे डिलीट कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे उसे क्लिक करना है और उसको डिलीट कर देना है। बट गाइज अगर आप कोई भी इफेक्ट चूज़ करते हो तो उसके बाद कुछ ऑप्शंस ओपन होकर आते हैं जो कि ये ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपको जैसे कि मैंने बताया था इन एनिमेशन, देन ओवरऑल एनिमेशन एंड देन आउट एनिमेशन, आप इसका भी चूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स में ये कर सकते हैं कि आप इसको लाइक इसका ओबेसिटी स्पीड स्ट्रेंथ ये सब बढ़ा सकते हैं। ओके जो ऑप्शंस आपको दिखते हैं हर इफेक्ट के, ट्रिम कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और इतने ही ऑप्शन इसमें आपको सिर्फ मिलते हैं। टिक करने के बाद ये हो जाता है ओके सेव, बट मुझे ये नहीं चाहिए, बस आपको समझा रही थी तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगी। नेक्स्ट अगर हम लेयर में जाते हैं तो हमें थर्ड ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है स्टिकर का। स्टिकर के ऑप्शन में जाके आपको बहुत सारे स्टिकर्स मिलते हैं जो कि मैं बहुत यूज़ करती हूँ, फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब के लिए, वैसे ही रिकॉर्ड के लिए, जो स्टिकर आपको जब यूज़ करना हो आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे कोई नीड नहीं है। फॉर एग्जांपल अब मुझे स्क्रीन पर कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट पर जाऊँगी और जो भी मुझे लिखना होगा, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी लिख दिया है, आप उसे लिख सकते हो। जैसे आप उसे टाइप करोगे ना, इसके बाद आपको फिर एक इंटरफेस खुल के मिलेगा जिसमें आप सबसे ऊपर में देख सकते हो एडिट। एडिट मतलब ये कि आप इसे दोबारा री एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सबा का सफ़र इज़ माय ब्लॉग चैनल, सो मैंने इसका नाम लिख दिया है। अब मुझे ए पे क्लिक करूँगी तो उसका फॉन्ट मिल जाएगा, मैं चेंज कर सकती हूँ, मैंने इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया है। देन नेक्स्ट यहाँ पे सीजर का ऑप्शन, मतलब ये कि आप ट्रिम कर सकते हैं उसको, कितने बड़ा आपको रखना है, कितना छोटा करना है उसको आप वो कर सकते हैं। लास्ट है कलर का ऑप्शन, देन इन एनिमेशन, ओवरऑल, आउट एनिमेशन, अल्फा, रोटेट, ब्लेंडिंग, टेक्स्ट ऑप्शन, आउटलाइन, शेडो, ग्लो, बैकग्राउंड कलर, मतलब सब ये सब टेक्स्ट से रिलेटेड ही है, और इन्फॉर्मेशन, ये आप यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपके आउट एनिमेशन ये सब हर चीज़ में होता है, हर इफेक्ट में, हर स्टिकर में, हर टेक्स्ट में, ब्लेंड कर सकते हैं, लाइट डार्क कर सकते हैं, ओवरले कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं टेक्स्ट में। अब स्क्रीन में टच करने के बाद वो टेक्स्ट यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दोबारा यहाँ से हटा के कहीं और करना है तो आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और आप इसको मूव कर सकते हैं, ऐसा परमानेंट सेव नहीं होता है। देन अब इसको यहाँ पे ही छोड़ देते हैं। अब हमारा जो लेयर में ऑप्शन है वो है लास्ट ऑप्शन जो कि है हैंड राइटिंग का। इसमें आपको लाइक फॉर एग्जांपल खुद से कुछ भी लिखना है, ब्रश यूज़ करना है या लाइन ड्रॉ करना है या सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये जो भी चीज़ आपको दिख रहा है आप वो चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से। देन नेक्स्ट ऑप्शन है कलर का, फॉर एग्जांपल पिंक में ले लेती हूँ तो आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, देन इरेज कर सकते हैं आप। ठीक है, देन आपको सेलेक्ट ऑल इरेज करना है तो वो डायरेक्ट हट जाएगा, और यहाँ पे आप उसकी बोल्डनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना मोटा आपको चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइंस आपकी उस हिसाब से ड्रॉ होंगी ये आप देख सकते हैं। तो बस ये था इसमें, तो होप्स आपको ये समझ आ गया होगा, लेयर के सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। तो आपको बस ये करना है कि एडिटिंग के वक्त आपको अपना दिमाग लगाना है। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करते करते फॉर एग्जांपल मैं किसी ऐसी जगह पे गई जहाँ पे मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती, तो मैं घर आके वॉइस ओवर कर सकती हूँ। स्टार्ट करके आप बोलना शुरू कर दीजिए, जो भी आप बोलेंगे वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। स्टार्ट करना है और वो वीडियो के हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर टिक पे क्लिक करना है, तो यहाँ से ये कर सकते हैं आप, ये जो कि काइन मास्टर के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑडियो का। ऑडियो में आपको म्यूज़िक मिल जाता है जो कि आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं, काइन मास्टर का फ्री म्यूज़िक होता है इसमें, तो मैंने कुछ डाउनलोड
डाउनलोड कर रखे हैं, बाकी आप अपने गैलरी से भी एल्बम, सॉन्ग, आर्टिस्ट अपने हिसाब से SFX जो भी आपने SFX डाउनलोड कर रखा होगा, जिसे यहाँ पे लिखा रहा है गेट साउंड इफेक्ट, सो आप खरीद सकते हैं। मैंने यहाँ पे परचेज़ नहीं करा है, डाउनलोड नहीं कर रखा है। और बाकी रिकॉर्डिंग ऑडियो सॉन्ग्स आपके जो गैलरी में है वो सब यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये चूज़ कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब आप सॉन्ग में भी कुछ भी यूज़, जैसे आप सॉन्ग को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप उसका साउंड अप डाउन कर सकते हैं, रिवर्ब कर सकते हैं, वॉइस चेंज कर सकते हैं, डकिंग, लूप, ट्रिम, ये सब आप इसमें कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। बाकी मैं अभी सब कुछ यहाँ से रिमूव कर रही हूँ क्योंकि जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने किया था। तो ये सारे ऑप्शंस आपको काइंडमास्टर में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं वीडियो को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। मैंने जब वीडियो को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आता है जिसमें आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहले वाला ये है कि जहाँ पे आपका ये जो सर्कल रहेगा, येलो लाइन रहेगा, उसके जितने भी लेफ्ट साइड के पोर्शन है वो कट जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये कट गया। अब कर्सर हमारा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे करके सेकेंड ऑप्शन चूज़ करूँ तो जितने भी आपके राइट साइड वाले पोर्शन हैं उस लाइन के वो सब कट जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने देखा ये कट गया। और जो थर्ड ऑप्शन है उसका मतलब ये कि आप बीच से वीडियो को स्प्लिट कर सकते हो, जैसे कि ये वीडियो स्प्लिट हो चुकी है, बीच में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, तो आप यहाँ से ये कर सकते हो। अगर मैं प्लस पे ऐड करूँगी, क्लिक करूँगी, तो आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ, सो ये कुछ इस टाइप को आपको वीडियो में आएगा। तो वैसे ही मैंने बहुत से डाउनलोड कर रखे हैं, आप भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। देन वीडियो को अगेन सेलेक्ट करते ही स्पीड का ऑप्शन आता है, रिवर्स का आता है, पैन एंड जूम का आता है। फॉर एग्जांपल वीडियो एंड होते होते किस कौन से शेप में आपको दिखानी है तो आप वो कर सकते हैं। जैसे वीडियो एंड होगी ना तो वो जूम आउट जूम इन होती रहेगी, तो ये होता है इसका ऑप्शन। होप सो गाइस आपको समझ आ गया होगा। अगेन मैं वीडियो सेलेक्ट करती हूँ, देन यहाँ पे है रोटेट, आप रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, साउंड, क्लिप ग्राफिक आप जो डाउनलोड कर सकते हो, जो डाउनलोड कर रखा होगा आपने इसमें काइनमास्टर में, उस पर क्लिप ग्राफिक्स भी होते हैं। जो जैसे मैंने बताया ना इफेक्ट्स, तो कुछ इफेक्ट्स उसके लिए थे, तो आप अपने हिसाब से ये ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है। ये पूरे वीडियो पे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे ये चूज़ कर रही हूँ, तो ये पूरे वीडियो पे आपको जहाँ तक ये ग्राफिक्स जाएगा वहाँ तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा चीज़ है इस काइनमास्टर में। विग्नेट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप ये ब्लैकिश देख सकते हैं, ये आ जाता है। देन वॉल्यूम एनवेलप, इस पर आप अपने हिसाब से वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। देन EQ, रिवर्ब, वॉइस चेंजर, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, मतलब अगर आपको इस वीडियो की ऑडियो एक्सट्रैक्ट करनी है तो आपने वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने करा, और मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ। ऑल्सो अगर हम वीडियो सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे साउंड का ऑप्शन भी आता है, आप साउंड को हाई और लो कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपको ऑडियो एक्सट्रैक्ट करने का दिल नहीं है तो। ये सारे ऑप्शंस आपको वीडियो सेलेक्ट करने के बाद मिल जाते हैं। तो गाइज आज के इस काइनमास्टर के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है मैंने जो भी समझाया आपको डिटेल में समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी है। अगर आपको फिर भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर सिंगल वीडियोज़ भी बनाने वाली हूँ जल्द ही, तो प्लीज़ आप मुझे इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज आज के दिनों बस इतना ही। मुझे उम्मीद है मैंने इतनी लंबी चौड़ी जो वीडियो बनाई, सारी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करी, सारी फीचर्स आपको एक्सप्लेन करी, सब कुछ बताया, वो आपको समझ आ गया होगा, लाइक ब्लर एंड क्रोमा की एंड ऑल समझ आ गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी अगर आप इस चीज़ों को यूज़ करोगे, इसका काइंडमास्टर ऐप को यूज़ करोगे। तो गाइज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब किए बिना तो ना ही जाना। मैं फिर मिलूंगी ऐसे न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने फैमिली का ध्यान रखो।